नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 13 और उसके महात्म्य के विषय में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13 अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था, वह एक व्याविचारणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती हुई हैरान हो गई, पर मनुष्य ना मिला। सांझ पड़ गई, गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिला, दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और उसने गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म किया, इसको चंडालने का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी, वह क्या देखा कि एक साधु गीता के 13 अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया, जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चंडालनी के प्राण छूट गए, देवदेही पाई, आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर वैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13 अध्याय का महत्मय है। जो प्रीति के साथ इसे पढ़ता है, उनका फल कहा नहीं जा सकता। अनजाने पन से भी पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी भगवत गीता अध्याय 13 और उसके महत्मय की कथा। तो आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया